बाबरी मस्जिद तोड़क कार्रवाई पर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कई आरोपियों को छोड़ दिया गया है बाइज्जत, जिनमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एलके आडवाणी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एमएम जोशी, उमा भारती, फॉर्मर उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह और महंत नित्य गोपाल दास के अहम नाम हैं। इन पर सालों से केस चल रहा था कि इन लोगों ने जनता को भड़काकर बाबरी मस्जिद तोड़वा दी, लेकिन आज कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बेकसूर है ये सारे के सारे लोग। ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे स्टारों, सुपरस्टारों, कलाकारों का रिएक्शन क्या है, आपको बताने की कोशिश है इस वीडियो के जरिए। अनुभव सिन्हा फिल्म मेकर ने लिखा है कि लाल कृष्ण आडवाणी पर चुटकी लेते हुए उन्होंने लिखा है कि लाल कृष्ण आडवाणी आपको बहुत बहुत बधाई, अब आप देश की आत्मा पर एक खूनी रेखा खींचने के आरोप से बरी हुए, भगवान आपको लंबी उम्र दे। एक्ट्रेस गौहर खान ने तल्ख अंदाज में लिखा कि बाबरी मस्जिद तो भूकंप की वजह से गिरी थी, वे लिखती हैं ये तो स्वाभाविक है, वो तो एक भूकंप था, ये तो हम सभी पर ही मजाक है। ऋचा चड्ढा ने तो साफ तौर पर विशेष अदालत के इस फैसले को नकार दिया, वे लिखती हैं इस जगह से ऊपर भी एक अदालत है, यहाँ देर है अंधेर नहीं। स्वरा भास्कर ने लिखा है कि बाबरी मस्जिद तो खुद ही गिर गई थी, अब बॉलीवुड के एक तबके की तरफ से ऐसा रिएक्शन आना लाजमी है। ये वही तबका है जो हर मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने में विश्वास रखता है और उनकी विचारधारा से खुद को हमेशा दूर रखने की कोशिश करता है। फिल्म मेकर हंसल मेहता हैं, वो लिखते हैं ये भगवान का फैसला था बाबरी मस्जिद गिराना, किसी इंसान का नहीं। सुशांत सिंह हैं टीवी एक्टर, वो लिखते हैं ना कोई आया था ना किसी ने कोई मस्जिद बनाई थी, नो बडी हैड कम, नो बडी हैड कंस्ट्रक्टेड अ मस्क्यू, हैशटैग रीप जस्टिस। एक्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, साउथ के सुपरस्टार हैं प्रकाश राज, इन्होंने लिखा है केस हिट एंड रन केस, ड्राइवर बरी हो गए, जस्टिस गिरफ्तार और ब्यूड न्यू इंडिया। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने लिखा है बाबरी केस में सभी आरोपी बरी, कांग्रेचुलेशन आप सभी को बधाई। तो इस तरह से बॉलीवुड के सेलेब ने बाबरी मस्जिद के आरोपियों को छोड़े जाने पर अपना रिएक्शन दिया। आपका रिएक्शन क्या होगा ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ और बने रहे फीफा फूस के साथ।